यहाँ पे रहे फूल और मैंने हर कमरों के दिली में फूल रख रखे हैं। चलिए जी, जाती हूँ मैं अब मंदिर वाले रूम पे। तो मम्मी ने कर लिया था सुबह दिया बाती। तो ये रहा हमारा मंदिर। मंदिर हमने कुछ इस तरह का बना रखा है। और यहाँ पे जाने लग गई है बहू गोबर फेंकने। तो दोस्तों, बज गया है रात का 8 और चांद भी आ गया है। नीचे बैठ जा रहा, नीचे नहीं गोई। किशो, हाथ जोड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला घर छोटू को ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के 9 बजे से। और हमारे गांव में अच्छे से धूप भी आ गई है। कल परसों से मौसम ख़राब था और आज बहुत अच्छा मौसम हुआ है। तो मैंने घर का सारा काम कंप्लीट भी कर लिया है। आज है मम्मी का पूर्णिमा का फास्ट और झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है मैंने। चलिए जी, अब मैं जाती हूँ कमरे में। कमरे में मम्मी ने पूजा पाठ भी कर लिया है और ना पोछा लगा के कि दिल्ली के आगे फूल रखे जाते हैं। तो यहाँ पे रहे फूल और मैंने हर कमरों के दिल्ली में फूल रख रखे हैं। चलिए जी, जाती हूँ मैं अब मंदिर वाले रूम पे। और यहाँ पे है लाइट ऑफ और ऑन करती हूँ। तो मम्मी ने कर लिया था सुबह दिया बाती। तो ये रहा हमारा मंदिर। मंदिर हमने कुछ इस तरह का बना रखा है और ना चारों तरफ से ये फूल से सजा रखे हैं। मंदिर को बहुत अच्छे से सजा रखा है हमने। तो गाइज, अभी तो मम्मी ने सिर पर दिया जला रखा है। और पूर्णिमा के फास्ट के दिन ना रात को होती है पूजा चांद में। तो चांद की पूजा किस तरह की जाती है वो शाम को ही दिखाया जाएगा रात को, जब मम्मी पूजा करेंगे। तो अब मैं जाती हूँ बाहर। बाहर का अभी किस तरह का व्यू हुआ है दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइज, अभी का मौसम कुछ इस तरह का हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ। हल्दी का आटा खा था, इसको हो गया है कम से कम 10-15 दिन। तो ये अभी तक नहीं सूख रखा है मौसम ख़राब होने के कारण। बीच बीच में मौसम ख़राब हो रहा था तो हमने साइड से लगा रखा है इसको। और नीचे साइड से हम चलते हैं, नीचे ऊपर जाते हैं। तो जाती हूँ अब मैं नीचे। और ना खेतों में बारिश होने के कारण थोड़ी बहुत हरियाली दिखने लग गई है। अब मैं धोती हूँ सबसे पहले बर्तनों को। और नहा के ये कपड़े भी नहीं धो रखे हैं, कपड़ों को भी धोती हूँ। मम्मी सुबह सुबह ये केले के डंठल काट के लेके आ गए हैं 2-3। ये हो जाएंगे कम से कम 4-5 दिन के लिए, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और इसके साथ ना कोई हरे पत्ते भी मिक्स करेंगे फिर काटेंगे। तो गाइज, मैंने धो दिए हैं बर्तन। बर्तन धो के मैंने करेट में सुखाने के लिए डाल दिए हैं। अब जाती हूँ मैं अंदर। अंदर मैंने दूध गर्म करने के लिए लगा रखा है। सुबह के टाइम पे भूल गई थी मैं, तो मैं अभी करती हूँ दूध गर्म। तो गाइज, अब मैं धोने लग गई हूँ कपड़े। कपड़े मैं यहीं आंगन पे धो रही हूँ, बाथरूम में नहीं धो रही हूँ। बाथरूम का पानी दूसरे के खेतों में चला जाता है। तो धो लेती हूँ अब मैं फटाफट से कपड़े। तो गाइज, मैंने धो लिए हैं कपड़े और मैंने धूप में भी डाल दिए हैं। तो अब दृष्टि उठेगी तो दृष्टि को नहलाऊंगी, फिर दृष्टि के कपड़े धोऊंगी। तो अब मैं जाती हूँ सबसे पहले गायों के वहाँ। तो किचन में से मैं गायों के लिए दो ले जाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ गायों के वहाँ और गायों को मैंने दो भी दे दिया है। इस वाले बड़े डेग में बड़ा वाला गाय खा रहा है और इस वाले डेग में एक छोटा बच्ची खा रहा है। और मैंने मट्ठा भी मिक्स कर रखा है इसमें।
अच्छे से वाइंड। और यहाँ पे जाने लगी है बहू गोबर फेंकने, तो यहाँ पे बीना भी देने लगी है गायों को। द एक को टप में दे रही है, एक को डेग में। और यहाँ पे रहे ये दीदी के गाय। यहाँ पे अभी अभी एक गुप्तेला बना रखा है। तो गाइज बज गया है बार और मैंने दृष्टि को नहला के यहाँ पे रेडी कर दिया है। और दृष्टि ये आ जा ले, गुस्सा हो रही है, गुस्सा हो रही है, क्या करना है बता दे। यहाँ पे लगने लग गया है दृष्टि को टीका, और मम्मी ने भी लगा लिया है अपना। जय बोल दे दादी को, जय बोल दे, जय करो करो, जय करो, अब करो जय जय। तो दोस्तों बज गया है रात का 8 और चांद भी आ गया है। मम्मी यहाँ पे पूजा की तैयारी करने लग गए हैं, तो आज पूजा चांद पे ही होती है। तो सबसे पहले जलाएंगे मम्मी यहाँ पे दिया। और दृष्टि अंदर से देखी हुई है, मैं भी आती हूँ, बाहर रह रही है। नहीं बैठना भी, वहाँ शैतानी मत करना, ऊपर आ थोड़ा। तो यहाँ पे लगाने लग गई है मम्मी चांद पे पूजा। चांद रहाओ। किशो हाथ जोड़ो। यहाँ पे लगने लग गया है दृष्टि का टीका। वाह, गोपाल वन लाया हो गया, जय बोल दे, जय बोल दे, जय हो भगवान, जय हो भगवान। किधर है बुआ? अच्छा तो गुटरी फोन ले रहा कबाल है बे, कबाल बे, अच्छा तो गुटरी फोन ले रहा है। चल आ जा गिरीशा, चल आ। उल्टी कर दी यार इसने। जल्दी आ।
अब तो पूछ दिया। अब आ गई ग्रीषा अंदर, ग्रीषा का भी लगने वाला है यहाँ पे टीका। पूछ दिया ना, इल्टी इसने उल्टी कर रखी थी, पूछ दिया। इधर देख, यहाँ देखना, अम्मा को देखना। जिस ले कर लिखिए, अब तो साफ कर लिया, अब तो साफ कर दिया है ना। प्रणाम बोलो। प्रणाम जी तेरे को। तो दोस्तों बज गए रात का 9:30 और मैं खाना खा के अपने कमरे में आ गई हूँ। तो करती हूँ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।